दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीज़ें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार कर परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव 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 करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को शांत और स्थिर रखने के लिए दो उपाय बताए हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आँख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते, यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आँख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आएँ। वह नौकरी मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता भी न करें, यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपेटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझिए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।